आपका स्वागत है। तो मैं आज बना रही हूँ राजमा। तो जब हमें राजमा बनाना होता है तो हम सुबह ही इसको भिगो देंगे पानी में। राजमा को धोना है और फिर इसको साफ पानी में भिगो देना है। 12 बजे करीब मैंने इसको भिगो दिया था और फिर इसको मैंने इसको उबाला है। उबालने के लिए मैंने इसको पानी में थोड़ा सा नमक डाला है और 2 लौंग और मोटी इलायची डाली ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जो हम इसके अंदर पानी यूज़ करेंगे उसको फेंकना नहीं है, वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। जब हम ग्रेवी बनाएंगे तब हम इसका यूज़ करेंगे। तो आइए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमको राजमा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे मैंने लिया है नमक, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ये मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बना के रखी है, ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, इसके अंदर मैंने 1 प्याज लिया है, और ये मैंने सारे खड़े मसाले लिए हैं, जीरा, दालचीनी का टुकड़ा, मोटी इलायची, 2 लौंग और ये हमने हींग लिया है। जब हमारी सब्जी बन जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर काट के हरा धनिया यूज़ करेंगे। मैंने कुकर चढ़ा दिया है, गैस की फ्लेम को हाई करेंगे। इसके अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल 1 चम्मच डाल दिया है। वेट करते हैं थोड़ा सा कि हमारा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक बात बताना चाहूँगी, जब मैंने इसको उबाला था तो मैंने इसमें नमक यूज़ किया था, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नमक लेना है। अगर उसमें अगर नमक ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पे कम लेंगे। और मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 सीटी लगाई है। मेरा जो मस्टर्ड ऑयल है गर्म हो गया है, मैं इसमें डालूंगी ये सारे खड़े मसाले। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट एंड ऑनियन। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐसे तलवे पे इसके लगता है कुकर के, तो आपको घबराना नहीं है कि हमारा मसाला जल गया है। आप थोड़ा सा इसमें पानी डालो और उसको और अच्छी तरह भूनना है ताकि जो इसकी कच्चेपन की स्मेल है वो दूर हो जाए। हमारा अदरक लहसुन का और प्याज का पेस्ट जो था वो ब्राउन हो चुका है। मैं अब इसके अंदर ऐड करूंगी ये टमाटर की प्यूरी। और इसको अच्छे से मिलाना है। आपको लगता होगा कि इसका इतना कैमरा हिलता है, फोटो हिलती है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे एक हाथ में मैंने फोन पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं आपको सब्जी बनाना बता रही हूँ। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, जो मैंने आपको बताया था, लाल मिर्ची, नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालना, आपको जितना पसंद है। ये हरा धनिया, मसालों को जब हम डालेंगे तो फ्लेम को थोड़ा लो रखना है, और ये थोड़ा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जो टमाटर की प्यूरी था उसी के अंदर मैंने से पानी डाला है। इसको अच्छे से चलाना है और अच्छे से पकाना है जब तक हमारे टमाटर तेल ना छोड़ दे। मेरी तरह जो मैं बना रही हूँ एक बार बना के देखना सब लोग, और प्लीज़ फिर मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी जो रेसिपी है वो कैसी बनती है। इतने कम मसालों में इतना अच्छा स्वाद कोई नहीं लेके आ पाता, सिर्फ वो स्वाद मिलता है काजल के किचन में। आप भी एक बार ही बना के देखना, बहुत स्वाद लगता है। कम मसाले हो शरीर के लिए भी अच्छा है और हमारे सेविंग के लिए भी अच्छा है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, ताकि दूसरे लोग भी इसका मज़ा ले सकें और खाने का स्वाद ले सकें।
और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। हमारे मसाले ने कितना प्यारा कलर आया है, तेल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी बॉईल जो मैंने उबाल के राजमा रखी थी वो। राजमा को अच्छे से पकाना है ताकि राजमा के अंदर मसालों का सारा फ्लेवर आ सके। जब इतना अच्छा कलर आएगा गाइस तो किसका मन नहीं करेगा खाने का। अच्छे से पकाते हैं, 5 या 7 मिनट इसको राजमा के अंदर ही भूनना है। 5 से 7 मिनट मुझे हो गई है और आप देख रहे होंगे कि हमारा तेल जो है वो राजमा से अलग हो गया है। साइड साइड में जो कॉर्नर पे दिख रहा होगा आपको, जिसके अंदर उबाल आ रहा है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, आपको दिख रहा होगा कि तेल छोड़ दिया है। शैडो इसलिए आती है क्योंकि मेरे जो है किचन में पीछे की साइड लाइट लगी है, अगर आगे लगी होती तो अच्छे से और वीडियो आती। तो हमारी राजमा अच्छे से भुन गई है, अब इसके अंदर हम ये वाला पानी ऐड करेंगे जो उबालते टाइम हमने सेव करके रखा था। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसमें 2 सीटी लगानी है। आप सोच रहे होंगे कि सीटी लगानी है, हाँ इसके अंदर हम सीटी लगाएंगे क्योंकि जब मैंने इसको उबाली थी तो मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 सीटी लगाई थी। और मैं उबालने के टाइम पे थोड़ी कच्ची रखती हूँ, ताकि जब मैं इसको भूनूं और इसमें सीटी लगाऊं सब्जी बनाते टाइम तो आराम से सब्जी गले ना, अच्छे से पके। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर उबाल आ गया है पानी में, अब हम इसको ढक्कन लगाएंगे। कुकर का ढक्कन हमने लगा दिया है, गैस की फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। इसके बाद हमें इसमें 2 सीटी लगानी है। तो गाइस मेरी आपको मैं दोबारा बोलूँगी, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। जब हमारी सब्जी बनके रेडी हो जाएगी तो हम इसके अंदर डालेंगे ये कटा हुआ हरा धनिया। ये भी हमारी लग चुकी है, गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको, इसकी विसल हमको निकालना नहीं है, इसको भाप में रहने देना है। जब ये अपना ठीक हो जाएगी और फिर हम इसको ढक्कन को खोलेंगे। वाओ देखो कितनी अच्छी सब्जी बनके हमारी रेडी हुई है, मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि एक हाथ में फ़ोन पकड़ती हूँ तो डालने में दिक्कत हो रहा था। अब हम इसको, मैंने पूरा डाल दिया है राजमा को, अब इसके अंदर हम जो मैंने ये काट के रखा था धनिया, अब इसको हम इससे गार्निश करेंगे। गाइस बताइएगा खा के, थोड़ी सी चख लो इसको आप लोग भी, मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। तो आप भी ऐसी स्वादिष्ट राजमा बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे रेसिपी को नोट करो, पूरी देखा करो और फिर आप भी थोड़ा सा बनाया करो। यूनिक चीज़ बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, बच्चे भी खाने में इंटरेस्ट लेते हैं और हम लोगों को भी अच्छा लगता है। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।